ट्विटर न्यू अपडेट इन 2021 तो अगर आप ट्विटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं एज ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बेसिस पे एज़ कंपेयर टू फेसबुक और इंस्टाग्राम तो आपके लिए यहाँ पर कुछ ट्विटर के दो न्यू अपडेट्स हैं जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है अगर आप ट्विटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं एज ए प्रोफेशनल सोशल मीडिया अकाउंट्स के बेसिस पे या तो इवन नॉर्मल सोशल मीडिया अकाउंट्स के बेसिस पे तो यहाँ पर ट्विटर ईयर बाय ईयर काफ़ी ज़्यादा फेमस होते जा रहा है इवन मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ जितना ट्विट इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते उससे कई सारा सेलिब्रिटीज़ ट्विटर को यूज़ करते हैं और कई सारे ऐसे ट्रेंडिंग न्यूज़ है जो मोस्टली ट्विटर से ही हमें मालूम पड़ता है और इवन जो भी टीवी में अगर आप न्यूज़ भी देखते हैं कंट्रोवर्शियल देखते हैं वो एक तरीके से ट्विटर से ही निकल के आता है जो एक तरीके से मीडिया में छापा जाता है बट ये है कुछ नॉर्मल सी बात अब यहाँ पर ट्विटर ने की तरफ से दो न्यू अपडेट्स है जो एक तरीके से आपके लिए जाना ज़रूरी है अगर आप ट्विटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो ट्विटर की तरफ से जो फर्स्ट न्यू अपडेट है वो है ट्विटर का एक वेरिफिकेशन अपडेट यानी कि अभी आप अपने ट्विटर अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं यानी कि वेरिफिकेशन बैच वेरिफिकेशन बैच यानी कि आपका जो ट्विटर का अकाउंट होगा उस ट्विटर के अकाउंट के जस्ट साइड में एक ब्लू कलर का साइन टिक का आपको दिखेगा यानी कि आपका जो ट्विटर का अकाउंट है वो प्रॉपरली वेरीफाइड है अब ये एक तरीके से वेरीफिकेशन का ऑप्शन ज़रूरी क्यों है ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से काम में आता है अगर आप ट्विटर को नॉर्मली ऐसे टाइम पास के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो शायद ये वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है आपके लिए इतना यूजफुल नहीं होगा इवन आपका काम का नहीं होगा लेकिन अगर आप ट्विटर अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं कुछ ब्रांड के लिए अपने पर्सनल ब्रांड के लिए या प्रमोशन के लिए या तो ट्विटर पर एकदम आप अपना रीच इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए अपने ट्विटर अकाउंट पे अकाउंट क्रिएट किया है तो अपना ऑडियंस बढ़ाने के लिए ट्विटर अकाउंट आपने क्रिएट किया है आप इन्फ्लुएंसर हो ऑनलाइन मार्केटर हो तो आपके लिए ये वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ट्विटर के अकाउंट पर यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अब यहाँ पर जो ये वेरिफिकेशन ब्लू टिक का जो ऑप्शन है ये फिलहाल अभी ट्विटर की तरफ से एक अपडेट है लेकिन 2021 में यह आपको ट्विटर के एप्लीकेशन में ही देखने को मिलेगा वन क्लिक का एक ऑप्शन होगा जिससे कि आप इजीली वन क्लिक में अपने ट्विटर के अकाउंट को वेरीफाई कर पाएंगे लेकिन लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कुछ आ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है डायरेक्टली आपका ट्विटर का अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा यानी कि डायरेक्टली आपके ट्विटर के अकाउंट पर आपको ब्लू टिक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा इसके पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे यहाँ पर अगर आपका नॉर्मल सा ट्विटर का अकाउंट है आपने सिर्फ टाइम पास के लिए नॉर्मली यूसेज के लिए ट्विटर अकाउंट क्रिएट किया तो ऐसे में आपके ट्विटर अकाउंट पर आपको वेरिफिकेशन बैच तुरंत नहीं मिलेगा ये बात का आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर अगर आपका कुछ पर्पस है आपने ट्विटर अकाउंट आपने कुछ प्रमोशन्स के लिए या तो कुछ लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से आपने अपना ट्विटर अकाउंट आपने क्रिएट किया है कुछ इंगेजमेंट के लिए ब्रांड प्रमोशन के लिए तो आपका कुछ प्रोफेशनल ट्विटर अकाउंट है जहाँ पे आपका ब्रांड प्रमोशन होता या है या ऑडियंस है तो उनके साथ एंगेजमेंट के लिए आपका काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स है ट्विटर पर तो ऐसे में आपके लिए ट्विटर वेरिफिकेशन बैच के लिए आप एलिजिबल हो यहाँ पर जो वेरिफिकेशन बैच है ये तुरंत आपके अकाउंट पर नहीं होगा यहाँ पर कुछ कैटेगरीज़ हैं उन लिमिटेड कैटेगरीज़ में ही आपको वेरीफिकेशन बैच मिलेगा तो यहाँ पर कुछ टोटल पाँच से छः कैटेगरीज हैं उन पाँच से छः कैटेगरीज़ के ट्विटर अकाउंट्स को ही एक तरीके से वेरिफिकेशन बैच के लिए एलिजिबल किया जाएगा फर्स्ट है आपका जो ट्विटर अकाउंट अगर आपने ट्विटर अकाउंट क्रिएट किया है कुछ गवर्नमेंट के रिलेटेड कुछ न्यूज़ के रिलेटेड तो ऐसे में आप वेरीफाइड हो जाओगे या तो अगर आपको कुछ ब्रांड है ब्रांड है ऑर्गेनाइजेशन है आपका उसके लिए आपने कुछ ट्विटर अकाउंट क्रिएट किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ऐसे में आपको आप एलिजिबल हो सकते हो अगर आपका न्यूज़ के रिलेटेड कोई ट्विटर अकाउंट आपने क्रिएट किया है जिसमें आप न्यूज़ के रिलेटेड अब पोस्ट अपडेट करते रहते हो तो ऐसे में आपको वेरिफिकेशन बैच मिल सकता है फोर्थ अगर आपका इंटरटेनमेंट के रिलेटेड ट्विटर अकाउंट है जिसपे आप इंटरटेनमेंट के रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते हैं पोस्ट करते हैं ट्विटर अकाउंट पर तो ऐसे में आपको वेरिफिकेशन बैच मिल सकता है फिफ्थ अगर आपका स्पोर्ट चैनल है यानी कि स्पोर्ट ट्विटर अकाउंट आपने क्रिएट किया है तो ऐसे में आपको वेरिफिकेशन बैच मिल सकता है इसके अलावा अगर आपका नॉर्मली है आप इन्फ्लुएंसर हो यानी कि आपके पास ऑडियंस आपने आप ऑडियंस पाने के लिए ट्विटर अकाउंट आप क्रिएट किया तो ऐसे में आपको एज अ इन्फ्लुएंसर वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है जो आपको वेरीफिकेशन बैच मिल जाएगा लेकिन ऐसे केसेस में ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें आपको वेरीफिकेशन बैच मिलना थोड़ा टाइम लग सकता है बट उसके अलावा जो मैंने ऊपर के पांच ऑप्शन बताएं उसमें आपको वेरीफ़िकेशन बैच ईजीली मिल जाएगा बस कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे इसके अलावा सेकेंड अगर आपने एक नया ट्विटर अकाउंट आपने क्रिएट किया है तो तुरंत आप वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं यहाँ पर आपका ट्विटर अकाउंट जेनवन होना चाहिए और जो फॉलोवर्स होने चाहिए वो जो फॉलोवर्स हो गए आपके ट्विटर अकाउंट पर वो एकदम जेनवन होने चाहिए एकदम ऑर्गेनिक फॉलोवर्स होने चाहिए ना ही आपके फेक फॉलोवर्स होने चाहिए तो ही आप वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो ये ट्विटर का एक फर्स्ट न्यू अपडेट था तो जो वेरिफिकेशन बैच का ऑप्शन है ये सिर्फ ट्विटर की तरफ से अभी एक अपडेट आया है ट्विटर इन 2021 में ही ये आपको ऑप्शन आपके ट्विटर अकाउंट में दे देगा जहाँ से आप वन क्लिक में वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसके बाद तुरंत आपके ट्विटर अकाउंट पर शो नहीं करेगा जैसे आप वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई करेंगे ब्लू ब्लू वेरिफिकेशन बैच के लिए देन तो उसके बाद आपका जो ट्विटर का अकाउंट है वो ट्विटर की टीम प्रॉपरली वेरीफाई करेगी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर यानी कि ऑलमोस्ट इसमें आपको वन वीक वन वीक आपका कंज्यूम हो जाएगा विद इन वन वीक आपका ट्विटर का अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा अगर आपका अकाउंट जो ट्विटर अकाउंट है वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनिक है और प्रॉपरली आपका जेनवन अकाउंट है अगर फेक अकाउंट होगा तो फिर ऐसे में आपका जो वेरीफिकेशन बैच है वो कैंसिल हो जाएगा तो ये फर्स्ट न्यू अपडेट था इन 2021 में जो ट्विटर अकाउंट पे आपको देखने को मिलेगा ये जो वेरिफिकेशन बैच है ये जो ब्लू टेकमा का जो ऑप्शन है ये आपको सिर्फ ट्विटर में ही नहीं मिलता है इवन फेसबुक इंस्टाग्राम स्नैपचैट ये तीनों में भी आपको जो आपका अकाउंट है सोशल मीडिया का उसमें भी आप वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ट्विटर में आप इससे फिलहाल अप्लाई नहीं कर सकते ये अभी एक अपडेट है जो 2021 में ही आपको देखने को मिलेगा लेकिन अगर आपका फेसबुक में अकाउंट है इंस्टाग्राम में अकाउंट है स्नैपचैट में अकाउंट है तो तीनों में आप वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं बिकॉज तीनों में आ, ये ऑलरेडी लास्ट ईयर ही अपडेट आ गया था तो भी डायरेक्टली आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसमें भी सेम टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे उसके बाद ही आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाहे वो इंस्टाग्राम हो स्नैपचैट हो फेसबुक हो तीनों में आपको वेरीफिकेशन बैच मिल जाएगा बस टर्म्स एंड आपका अकाउंट एकदम जेनवन होना चाहिए दैट्स ऑल अबाउट तो ये था तो पहला ट्विटर का न्यू अपडेट इन 2021 इसके अलावा ट्विटर का एक सेकेंड न्यू अपडेट है वो है ट्विटर का डार्क मोड तो यहाँ पर आपको प्रीवियसली ट्विटर के अकाउंट में यानी कि ट्विटर में आपको डार्क मोड का फीचर देखने को नहीं मिलता था बट इन 2021 ये डार्क मोड का फीचर आपको अपने ट्विटर के अकाउंट में इजीली देखने को मिलेगा अगर आप अपना ट्विटर यूज़ करते हो और आपको ऑलरेडी नो कि ये जो डार्क मोड का फीचर है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एंड अमेजिंग है ये फ़िलहाल सारे ट्विटर अकाउंट्स में आपको शो करेगा इट डजेंट मैटर कि आप कौन से कंट्री में रहते हैं सारे ट्विटर अकाउंट्स में आपको डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा लेकिन लेकिन मेक श्योर ये डार्क मोड का फीचर अप्लाई करने से पहले मेक श्योर sure कि जो आपका ट्विटर का अकाउंट है वो आपका लेटेस्ट वर्जन में अपडेट होना चाहिए बिकॉज ये जो डार्क मोड का फीचर है यह आपको ट्विटर के लेटेस्ट वर्ज़न वाले एप्लीकेशन में ही देखने को मिलेगा अगर आपका ओल्ड वर्जन का एप्लीकेशन है तो मेक श्योर sure आप उसको पहले जाके प्ले स्टोर पर जाएँ और उसे अपने ट्विटर अकाउंट को पहले लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करें सो कीप इन माइंड तो लेट्स मे भी इसे अपडेट कर लेता हूँ सो so, अपडेट करने के बाद डायरेक्टली आपको अपना ट्विटर का अकाउंट ओपन कर लेना है दैन डायरेक्टली आपको ये जो टॉप लेफ्ट साइड में आपको थ्री डॉट लाइन दिख रहा है इस पर टैप करना है दैन उसके बाद यहाँ पर जाना है डायरेक्टली सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के ऑप्शन में ना उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जनरल के सेक्शंस में डिस्प्ले एंड साउंड का डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है और टैप करने के बाद यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डार्क मोड का जस्ट आपको इस पर टैप करना है देन उसके बाद यहाँ पर आपको ऑन ऑप्शन पे टैप कर देना है देन उसके बाद आपके ट्विटर अकाउंट में आपका जो डार्क मोड है ये एक तरीके से इनेबल हो जाएगा एज़ यू कैन सी दैट तो ये फीचर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है यू योगाजर ऑलियनो की ये आपकी आंखों को एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है इससे अगर आप लेट नाइट तक अपना ट्विटर अकाउंट पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो यू योगाजर ऑल इनो की जो मोबाइल की ब्राइटर लाइट है वो आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है तो ऐसे में अगर आप डार्क मोड का फीचर इनेबल कर लोगे तो आपकी आँखों को एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको जो ट्विटर अकाउंट है वो यूज़ करने का उसे एक्सपीरियंस करने का जो इंटरेस्ट है वो और भी ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा बिकॉज आपने डार्क मोड का फीचर इनेबल किया है सो इट्स वेरी यूजफुल देट कैन ईजिली अप्लाई ऑन योर ट्विटर अकाउंट तो गाइस, ये थे ट्विटर के दो न्यू अपडेट्स इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दैट्स इज ऑल अबाउट अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होता है कुछ भी डाउट होता है देन यू गैस कैन कॉन्टैक्ट मी और माई इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक अकाउंट तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आके आप डायरेक्टली मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैं वहाँ पर 24 फोर आवर एक्टिव रहता हूँ सो दैट्स इज ऑल अबाउट आई होप लाइक दिस इंफॉर्मेशन दिस इज़ द ट्विटर न्यू अपडेट इन 2021